मैं सिविल जज का एग्ज़ाम दिया था, जुडिशियल सर्विसेज का। मेरी नियुक्ति हुई है एज अ सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुई है मध्य प्रदेश में। मैंने जो अपनी प्राइमरी क्लासेस की हैं वो मॉडर्न स्कूल से की हैं, बाद फोर्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक मैंने डीएवी स्कूल से पास किया है। मैंने जो है डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस से कुछ हटकर करना है लाइफ में। जब से मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में तो यही था कि हाँ सिविल जज बनना है। महिला तो ऑलरेडी देवी के रूप में शक्तिशाली है, हर रूप में वो शक्तिशाली है। कि अपने काम के प्रति निष्ठावान रहें, ऑनेस्ट रहें और मेहनत करें, यही मंत्र है सक्सेस का। आज की प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे मैंने मेहनत करके कह लो या भगवान की आशीर्वाद से या बड़ों के आशीर्वाद से अगर आज कुछ उपलब्धि प्राप्त की है या सफलता प्राप्त की है तो और बच्चे भी है जो है ऐसे ही प्रोत्साहित हों और सफ़ीदों का नाम रोशन करें। क्या क्या आपने प्राप्त किया, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी, मैंने जो है सिविल जज का एग्ज़ाम दिया था जुडिशियल सर्विसेज का, तो उसमें जो मेरी नियुक्ति हुई है एज अ सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुई है मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा अपने बारे में, प्राइमरी कहाँ से आपने स्टार्टिंग की है, थोड़ा सा जी। मैंने जो अपनी प्राइमरी क्लासेस की हैं वो मॉडर्न स्कूल से की हैं, मॉडर्न स्कूल से बेसिक क्लासेस से लेकर थर्ड तक किया है मॉडर्न स्कूल सफ़ीदों से, और फिर उसके बाद फोर्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक मैंने डीएवी स्कूल से पास किया है। और उसके बाद हालांकि मैंने 11th 12th जो है अपनी पीसीएम से साइंस से की थी, पर तभी से मैंने जो है डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस से कुछ हटकर करना है लाइफ में, तो फिर मुझे लॉ करने का ख्याल आया और फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो है 5 ईयर कोर्स किया लॉ का, BA LLB ऑनर्स, और 2015 में मैंने लॉ से पास आउट हुई मैं। और फिर उसके बाद मैंने LLM किया और LLM के साथ ही जो है अपनी जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट कर दी, और फिर तैयारी करते करते मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी दिए और अल्टीमेटली जो है मध्य प्रदेश में जो है मेरा इस बार 2019 वाली जो नोटिफिकेशन है उसमें सिलेक्शन हुआ है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप क्या संदेश देंगे और आपका जो श्रेय है इसको श्रेय तो बिल्कुल पहले तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा है, माता पिता की पूरी सपोर्ट रही है, पूरे घर परिवार की, और दोस्त, खास करके मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जहाँ भी मैंने रहकर तैयारी की है, तो दोस्तों का बहुत साथ रहा है और बस सबको बराबर श्रेय जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट श्रेय जाता है वो मेरी मम्मी को जाता है, शी हैड बीन द बैकबोन ऑफ माई स्ट्रगल। इन्होंने हर समय जो है शायद किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन से एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, किसी को कोई खबर नहीं थी, लोगों को सिर्फ इतना पता था कि मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सिर्फ मेरी मम्मी थी जिनको पूरा पता था कि मैं कौन सा एग्ज़ाम देने जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स पास किए हैं, कौन से मेरे नहीं हो पाए हैं क्लियर, सिर्फ इनको पता था। बाकी सबको तो एक तरह से सरप्राइज मिला है कि हो गया है फाइनली। थोड़ा सा फादर और मदर के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जी, पापा मेरे बिजनेसमैन हैं और हमारा जो है बिजनेस है वो बालूचा फॉर्म है हमारी, और हमारा हार्डवेयर और सैनिटरी वगैरह का बिज़नेस है, बोरवेल ट्यूबवेल्स का। तो हमारी पूरी फैमिली, जितने भी हमारी पूरा ख़ानदान है, सब बिज़नेस में है, तो लॉ में कोई नहीं है। और मेरी मम्मी पहले एक टीचर रही हैं और अब शी इज़ होम मेकर, तो अभी वो घर संभाल रही हैं। फैमिली बैकग्राउंड आपका बिजनेसमैन का है, लेकिन कहाँ से आपको ख्याल आया कि जज बनना? जैसे मैंने बताया कि स्कूल के टाइम से मुझे था कि बस 11th 12th के बाद मैंने साइंस में और आगे नहीं बढ़ना है, मुझे ये था कि या तो मैं बीए करूं या कुछ अलग करूं, तो इस करके फिर मैंने लॉ को चुना, क्योंकि लॉ में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप भी एज अ लेमैन भी थोड़ा भी लॉ को जानेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी यूज़फुल है ये, तो इसलिए मैंने लॉ को चुना और बस फिर इसी में आगे प्रोग्रेस की। इसका कोई कारण रहा होगा चुनने का, महिलाओं पे हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप जो है जनता की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एज अ जज, भले ही आप एक वकील भी हैं, आप अपने प्रोफेशन में अच्छे रहिए। अगर आप वकील हैं तो एक अच्छे वकील बन के भी जो है आप अपनी पार्टी की सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम फ्री लीगल एड दे सकते हैं, जो कि पीड़ित लोग हैं आजकल,
और अगर उनको किसी प्रकार की कोई न्यायिक सेवा नहीं मिल रही है तो हम उनको जो है फ्री एडवाइस दे सकते हैं, और अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है या वैसे भी कुछ सिविल रॉन्ग हो रहा है, तो उसको भी हम जो है मिटाने में मदद कर सकते हैं। आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ जिससे आपको लगा कि मुझे जज बनना चाहिए ताकि इनको सबको सुधार सकें? नहीं, ऐसा तो कोई खास नहीं है, पर जब से मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में तो यही था कि हाँ सिविल जज बनना है। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि वर्ड कहते हैं कि हमने वुमेन को एम्पावर करना है, ठीक है, वुमेन ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, तो हमें सिर्फ उनकी पावर्स को जानना है, उनको उनकी पावर्स को एक्सरसाइज करने का मौका देना है। वुमेन कहीं कम नहीं है। आज जो हमारी लिस्ट आई, अगर आप उस लिस्ट को खोल कर देखेंगे हमारे रिजल्ट में, तो उसमें मोस्टली लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, बहुत कम लड़के सेलेक्ट हुए हैं इस बार। तो वेमेन तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, बस उनको ज़रूरत है कि वो अपनी शक्तियों को खुद जाने, और जो मेल्स भी हैं, जो पुरुष भी हैं, वो भी उनकी शक्तियों को जाने। शक्तियाँ उनके अंदर कम नहीं है, ये नहीं कि हमने उनको और शक्तिशाली बनाना है। महिला तो ऑलरेडी देवी के रूप में शक्तिशाली है, हर रूप में वो शक्तिशाली है। आज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? संदेश सिर्फ ये कि अपने काम के प्रति निष्ठावान रहें, ऑनेस्ट रहें और मेहनत करें, यही मंत्र है सक्सेस का। दिनचर्या तो मेरी इस प्रकार थी कि जब से मैंने तैयारी शुरू की थी, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक स्टेट को फोकस करके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो स्टेट वाइज होता है, नेशनल लेवल पर नहीं होता यूपीएससी की तरह। तो मैं एक स्टेट को फोकस करके कभी नहीं चली थी कि हरियाणा मेरा होम स्टेट है तो मुझे सिर्फ हरियाणा ही क्लियर करना है। तो मेरे को हर स्टेट के प्रति उतना ही लगाव था, उतनी ही मेरी निष्ठा थी, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम आता रहता था, तो मैं हर टाइम 12 महीने तैयारी में लगी रहती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ी। कई बार ऐसा होता है ना कि चलो एग्ज़ाम दूर है तो हम बाद में पढ़ लेंगे, तो मैंने क्या किया कि मेरा हमेशा 12 महीने वैसी उतनी ही कंसिस्टेंसी से जो है मेरी पढ़ाई निरंतर चलती रहती थी। हाँ, ये हो जाता था कि कभी आप कम घंटे पढ़ रहे हैं, कभी ज़्यादा, कभी कभी तो ऐसा एग्ज़ाम होता था एक साथ ज़्यादा एग्ज़ाम्स है, या कोई मतलब एग्ज़ाम के लिए अगर ज़्यादा तैयारी करनी है तो बहुत बेहद भी पढ़ना पड़ा है। एक समय ऐसा भी था कि बेहिसाब पढ़ा है, मतलब कोई घंटों का वो नहीं था कि मैं हार्डली 2 या 3 घंटे भी सोई हूँ, बहुत महीनों तक लगातार। तो बस यही है दिनचर्या का। तो मैं एज सच कोई ऐसा शेड्यूल बनाने वालों में से नहीं हूँ जो बोलते इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये। मैं प्रॉपरली मतलब कवर टू कवर फुल पढ़ने वालों में से हूँ कि ठीक है पूरा पढ़ना है। इसी कारण जो है मैंने बहुत सारे स्टेट्स में भी अपीयर होने का जो है हिम्मत रखी, हम कह सकते हैं, या फिर रिस्क उठाया। नहीं तो जनरली बच्चे जो हैं एक या दो स्टेट्स को फोकस होकर और सेफ चलते हैं कि ठीक है हम इतना पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ेंगे। मैंने जो है मतलब हर स्टेट की एक अलग डिमांड होती है, एक अलग प्रकार का सिलेबस होता है, तो मैंने हर स्टेट के लिए वैसे ही मेहनत की है। तो चूँकि कोई ना कोई एग्ज़ाम आता रहता था तो मेरी पढ़ाई चलती ही रहती थी, ऐसे बंद नहीं हुई कभी बहुत दिन तक लगातार। यही है। थैंक यू।